हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, अभी बज रहा है 7:45 और मैं जा रही हूँ जिम। सुबह की ब्लैक कॉफ़ी जो है वो रेडी है, ब्लैक कॉफ़ी ले रही हूँ। और ब्लैक कॉफ़ी की रेसिपी मैंने आप लोगों से ऑलरेडी शेयर की है, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों के साथ अभी ब्लैक कॉफ़ी की रेसिपी शेयर किया जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता होगे। अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं शेयर करूँगी दोबारा आपके साथ। तो मैं ले लेती हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी। ये प्री वर्कआउट ड्रिंक होता है जो आपको एनर्जी देने में हेल्प करता है। तो चलिए मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ पहले। गाइज, हम लोग जा रहे हैं गाँव और आज है संडे, मतलब इनको दिन भर छुट्टी है, तो इसी वजह से हम लोग गाँव जाके आते हैं। और पापा की तबीयत भी बोल रहे हैं कि ख़राब है, मतलब कल भैया का कॉल आया था इन्हें, तो बता रहे थे कि पापा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो इसी वजह से हम लोग मिल के आ जाते हैं पापा से। और ना आज थोड़ा सा कांड हो गया मुझसे। ये वाली चुन्नी मैं प्रेस करने गई थी, मतलब आयरन करने लगी और जल गई यार थोड़ी सी, तो इसे मैंने अभी पिनअप किया है, क्योंकि इसके नीचे का जो अभी लेगिंग्स है उस पर चुन्नी चाहिए थी मुझे सेम वाली, और अभी कहाँ खरीदने जाती तो यही वाली मतलब ले ली मैंने, बट इस पर मैंने थोड़ा सा पीन लगा लिया वहाँ पर जहाँ पर जली है ये। हाँ ना, इतनी जल्दी जल्दी मतलब आयन कर रही थी मैं, और ये बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, कभी भी कहीं पर भी जाना होता है तो चलो जल्दी, तो उसके चक्कर में बोल रहे थे कि वैसे ही ले लो, तो ये ना ऐसी रखी थी मैंने कोने में, तो मैंने निकाली तो देखा कि ऐसे आयन नहीं है, तो आयनिंग करने के लिए गई और उसका जो होता है ना वो पावर उलन पे रखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें मतलब सेटिंग जो होती है वो पता नहीं इन्होंने बिगाड़ दी थी, कॉटन पे कर दी थी, तो कॉटन के लिए ज़्यादा चाहिए होती है, तो जैसे ही मैंने किया ऐसे चिपक गई उसको, तो मैंने मेरा मूड ऑफ हो गया उस टाइम ही। तो चलो कोई बात नहीं, चलिए जाके आ जाती हूँ जल्दी से, ससुराल जा रही हूँ तो जल्दी से जाके आ जाती हूँ, उधर से आने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि वहाँ पर मिलना नहीं होगा, पापा से मिलना है और फिर बातें बातें होगी, तो इसी वजह से हाँ स्टॉल एक मिनट ना, तो चलिए फिर मिलती हूँ बाद में आपसे। एक्चुअली गाइस, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था गाँव से आने के लिए, तो इसी वजह से मैं आप लोगों से बात ही नहीं कर पाई। उसके बाद ना इन्हें ड्यूटी जाना था, तो उनके चक्कर में थी मैं, मतलब आप लोगों को पता ही है इनकी ड्यूटी वगैरह, मतलब छुट्टी नहीं होती है इनकी, ड्यूटी संडे को भी होती है, तो आज है संडे। मैंने शायद आपको विश किया या नहीं किया पता नहीं, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। और अभी शाम हो गई है, चाय वगैरह पी है अभी भी। एक्चुअली श्रीकांत की मम्मी आ गई थी, तो उनसे बातें करते करते ना टाइम का पता ही नहीं चला, तो इस वजह से अभी मैं बनाने वाली हूँ डिनर, मतलब डिनर बनाने वाली हूँ, बट डिनर के लिए जो बनाने वाली हूँ वो ही घर पे नहीं है, मतलब जो चिकन बनाने वाली हूँ मैं डिनर के लिए, तो घर पे है ही नहीं चिकन, तो ना एक्चुअली मैं कभी चिकन लाने गई नहीं हूँ, आज मुझे चिकन लाने जाना है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम लोग जाते हैं बाहर तो हम लोग लेके आते हैं, मतलब ये मेरे साथ रहता है या श्रीकांत मेरे साथ रहता है या कोई ना कोई तो मेरे साथ रहता ही है, तो मैं कभी अकेली गई नहीं हूँ, लेकिन आज ये कॉल करके मुझे बोल रहे हैं कि जाओ आप ही लेके आओ अभी, क्योंकि इनको ड्यूटी से आने के लिए लेट हो जाएगा, तब तक मतलब मेरा डिनर बन जाना चाहिए, और फिर हम लोग खाएंगे कब और फिर मतलब डाइजेस्ट कब होगा, तो इसी वजह से ये बोल रहे थे कि आप जाओ लेके आओ और बना लो, तो बाद में फिर मैं आने के लिए तो लेट हो जाऊंगा, तो मैं आऊंगा जब आऊंगा तो लाऊंगा, फिर उसके बाद बनाएंगे, फिर उसके बाद खाएंगे, तो इसी वजह से आप ही जाओ और आप ही लेके आओ। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं अभी तक मतलब खुद अकेली नहीं गई हूँ लेने के लिए चिकन, तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसा भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो जाती हूँ, मतलब गई नहीं हूँ ऐसा नहीं है शॉप में, मैं गई हूँ लेकिन किसी के साथ गई हूँ, बट आज अकेले जाना पड़ रहा है, तो मैं माही को लेके जाती हूँ साथ में और चिकन लेके आते हैं, तो चलिए आप भी चलिए मेरे साथ। एक्चुअली अद्विक गया है श्रीकांत के घर पे, तो अभी अद्विक तो घर पे नहीं है, अद्विक आंटी के साथ ही चला गया था, तो हम दोनों ही जाते हैं। माही की कहाँ है, एक मिनट की, मेरे मतलब हर टाइम ऐसा ही होता है मेरे साथ कि मुझे की नहीं दिखती है टाइम पे, और हाँ मतलब यहाँ से की कहाँ गायब हो जाती है वही नहीं समझ में आता। आज सुबह भी जिम जाने के टाइम वैसे ही हुआ, जिम जाने के टाइम इतना मैं की ढूंढते जा रही थी, कहाँ रखी थी मैंने, कल रात को आई मैं
और मेरे ना वास इस तरह के हैं, ये वाला किचन है, ये अभी दिख गया। तो इसमें ना मेरे घर के लॉक की भी की है और ये भी है, मतलब मेन डोर की भी है, ऐसे ही सेम इनके पास भी है। तो ये मेरे पास की का किचन है और इनके पास यस का है। तो इनके पास भी सेम इनके गाड़ी की मेन डोर की और ये वाले डोर की, तो ऐसे इनके पास भी है और मेरे पास भी है, तो हम दोनों के पास सेम ही है। बट मेरा किचन हमेशा गुमी हो जाता है, दिखता ही नहीं है, तो ऐसे होता है मेरे साथ हमेशा। चलिए जल्दी जाके आती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया यार, बहुत लेट हो गया है। चलो फाइनली गाइज आ गई हूँ मैं चिकन लेके। और हाँ, उसमें मेरी गाड़ी ने इतना धोखा दिया मुझे आज, मतलब जहां से हम लोग चिकन हमेशा लेते हैं ना वहां पर नहीं गया, मतलब वहां पर गई थी मैं एक्चुअली, बट वो दोनों तीनों चिकन शॉप जो है वो बंद थी, पता नहीं आज क्या है, वो तीनों भी शॉप बंद थी जहां से हम लेते हैं, मतलब जो पास में पड़ती है मुझे। बट मुझे ना उसके चक्कर में काफी दूर जाना पड़ा, वहां पर गए हम लोग और वहां पर ही मतलब मेरी गाड़ी ने मुझे धोखा दे दिया। वहां पर जाने के बाद मैंने जैसे ही गाड़ी बंद की वैसे ही गाड़ी बंद हो गई, मतलब जैसे मैं शॉप से बाहर निकली तो गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी, स्टार्ट भी नहीं हो रही है, किक मार रही हूँ वो भी नहीं हो रही थी, मैं परेशान हो गई। बाद में क्या हुआ, जो शॉप में लड़का था उसने मुझे गाड़ी स्टार्ट करके दी, तो फाइनल गाड़ी स्टार्ट हो गई। फिर मुझे लेना था बटर भी, तो बटर खत्म हो गया था तो बटर भी लेना था, तो बटर की शॉप में मुझे गाड़ी रोकनी थी, तो मुझे डर लग रहा था कि यहाँ पर भी बंद होगी मेरी गाड़ी, मतलब यहाँ पर भी बंद ना हो जाए और यहाँ पर भी मुझे फालतू में ऐसे टाइम पास ना हो मेरा। तो वहां पर नहीं हुई, मतलब वहां पर स्टार्ट हो गई गाड़ी, तो अभी आ गई हूँ मैं घर और बटर भी लेके आई हूँ। तो चलिए आज बनाते हैं बटर चिकन और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बटर चिकन बनाने का रीजन ये है कि अभी जिम स्टार्ट कर ली ना, तो थोड़ा सा हेल्थ के लिए सोच रही हूँ, मतलब वो हो रहा है कि यार जिम में मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल वगैरह यूज ना करूँ, तो इसी से मैं बटर में बना रही हूँ आज। तो क्योंकि ना अगर ऑयल वगैरह में आप बनाते हो तो वो हेल्दी नहीं रहता है चिकन, और अगर बटर में या घी में बनाते हो ना तो वो ऐसा लगता है हमें कि वो फैट वाली चीज है, बट उसमें हेल्दी रहता है चिकन अगर आप उसमें बनाते हो। और ये जो फैट है वो हेल्दी फैट नहीं होता है, जो आप ऑयल में बनाते हो ना तो वो हेल्दी फैट नहीं होता है। अगर आप बटर में भी बनाते हो या घी में भी बनाते हो ना, तो अगर आपको लगता होगा कि बटर या घी बहुत ज्यादा फैटी है, बट वो फैटी नहीं होता है, वो हेल्दी फैट होता है। और चलिए बहुत ज्यादा बातें हो गई, मैं जल्दी से बना लेती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया है एक्चुअली, इसी के चक्कर में मुझे बहुत ज्यादा लेट हो गया घर पे आने के लिए। सो गाइज, बटर चिकन बनाने के लिए हमें सबसे पहले चिकन का जो है मैरिनेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं सबसे पहले चिकन एक मतलब एक पतीले में ले लिया है और उसमें मैंने रेड चिली डाली है, और उसमें मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसके बाद 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है आपको, और उसके बाद आपको ऐड करना है थोड़ा सा नमक, और नमक ऐड करने के बाद आपको सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, मतलब जो चिकन है उसमें ये सारी चीज़ें लग जानी चाहिए, इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है। और इसे ना ढक के रख देना है आपको मैरिनेट करने के लिए, मतलब 15 से 20 मिनट तक, और तब तक आप अपनी जो ग्रेवी है उसकी तैयारी कर सकते हो। तो आप तब तक इसे ढक के रख दीजिए, ये मैरिनेट होता रहेगा, उसके बाद आप अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लीजिए, जैसे कि मैं अभी करने वाली हूँ। तो इसे साइड में ढक के रख दूँगी और उसके बाद अभी मैं ग्रेवी की तैयारी करूँगी। तो ग्रेवी के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लेना है, थोड़ा सा एकदम से, क्योंकि हम हेल्दी वाला बना रहे हैं इसे, तो एकदम थोड़ा सा ऑयल डालूँगी मैं कढ़ाई में, और उसके बाद मैं उसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा जीरा, और मतलब थोड़ा सा तेल गर्म हो जाने के बाद जीरा ऐड करूँगी, और उसके बाद ना मैं जो खड़ा सा मतलब लंबा सा प्याज जो काट के रखा है मैंने, 2 प्याज लिए थे मैंने यहाँ पे, तो वो प्याज मैं उसमें ऐड करूँगी। सबसे पहले उसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगी 1 चम्मच, और उसे अच्छे से भून लूँगी, और उसके बाद मैं प्याज ऐड कर दूँगी उसमें, जो लंबा लंबा प्याज मतलब मैंने काट के रखा है, ज़्यादा मैंने मतलब बारीक चॉप नहीं किया है प्याज को, एकदम से मोटा मोटा ही काटा है, तो इसे हमें अच्छे से भून लेना है। और मैं थोड़ा सा उसमें बटर ऐड कर दूँगी, क्योंकि हम लोग ये बटर चिकन बना रहे हैं इसी वजह से मैं इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करूँगी ये वाले प्रोसीजर में। और बटर ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से चला लूँगी, उसके बाद मैं उसमें टोमेटो ऐड करूँगी, और टोमेटो भी मैंने ऐसे ही मतलब ज़्यादा फाइन चॉप नहीं किया है, ऐसे ही
ही मोटा मोटा सा काट लिया है। उसके बाद मैं टोमेटो ऐड कर दूंगी, दो टोमेटो थे बड़े बड़े से, उसे मैंने अच्छे से काट लिया था मोटे मोटे लंबे लंबे पीसेस में। तो इस तरह से मैं इसे अच्छे से भून लूंगी और उसके बाद मैं ऐड करूंगी उसमें काजू। थोड़ा सा काजू कम पड़ गया था तो मैंने बाद में उसमें ऐड कर दिया था। थोड़ा सा ज़्यादा काजू ऐड करना है आपको इसमें, मतलब 15 से 20 काजू ऐड करने हैं आपको इसमें। और उसके बाद आपको इसमें नमक ऐड कर देना है और फिर उसमें आपको थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करना है, मतलब 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करना है। यहाँ पर मैं एवरेस्ट का गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। फिर आपको हल्दी ऐड करनी है, मिर्च पाउडर ऐड करनी है, मिर्च पाउडर आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। फिर आपको धनिया पाउडर ऐड करनी है और अच्छे से चला लेना है। थोड़ी सी टेस्ट के लिए आप शुगर भी ऐड कर सकते हो, और उसके बाद आपको शुगर डालने से ना थोड़ा सा टेस्ट उसका बढ़ जाता है। उसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा चिकन मसाला भी ऐड कर देना है, और उसके बाद आपको अच्छे से चला लेना है उसे, और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने से ना ये अच्छे से पक जाएगा, ये जो मतलब ग्रेवी है वो अच्छे से पक जानी चाहिए। थोड़ी देर आपको इसे ढक के रख देना है पानी ऐड कर देने के बाद, मतलब ये जो ग्रेवी है, मतलब ये जो मसाला है अच्छे से पक जाए। उसके बाद आपको इसे ग्राइंड करना है, मतलब ये जो मसाला है अच्छे से पक जाने के बाद आपको इसे ग्राइंड करना है और इसका पेस्ट अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो मसाला है वो मतलब अच्छे से भून चुका था, मतलब पक चुका था। इसे मैं मिक्सी के पॉट में निकाल लूँगी अच्छे से और उसे मैं पीस लूँगी थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है आपको और अच्छे से पीस लेना है आपको इसे, मतलब जो मसाला है उसे अच्छे से पीस लेना है आपको। उसके बाद आपको उसी कढ़ाई में जो आपने चिकन मैरिनेट किया था वही डाल देना है, और उसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा हल्का सा ऑयल डालना है और अच्छे से चला लेना है, मतलब ऑयल को मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आपको उस पे ढक्कन रख के मतलब पका लेना है उसे अच्छे से, मतलब उसमें ना आपको पानी ऐड नहीं करना है, पानी ऑटोमेटिकली छूटने लगता है। अगर आप ऐसे करते हो तो ऑटोमेटिकली पानी जो है वो छोड़ने लगता है आपका चिकन। तो उसके बाद आपको चिकन में ऐड कर देनी है आपका मसाला, मतलब जो ग्रेवी हमने बनाई थी, ग्रेवी के लिए जो मसाला रेडी किया था, जो पेस्ट रेडी किया था, वो आपको चिकन में ऐड कर देना है चिकन पकने के बाद, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप देख सकते हो थोड़ा सा ना ड्राई ड्राई सा लग रहा था मुझे, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा जो वो है मिक्सी का पॉट है उसमें पानी ऐड कर दिया और उसमें ना वो पानी छोड़ दिया था। थोड़ा सा पानी और भी कम लग रहा था मुझे, तो इसी वजह से मैंने और भी पानी उसमें ऐड कर दिया। तो इस तरह से आपको थोड़ी सी जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना आपको पानी ऐड कर देना है, और उसके बाद आपको उसे अच्छे से चला लेना है और थोड़ी देर आपको और पकने के लिए मतलब ढक के रख देना है। तो आपका जो ये है बटर चिकन है वो रेडी हो जाएगा, और इसे ढक के रख दूंगी और हमारा बटर चिकन जो है वो रेडी हो गया है। और आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कैसा लगी। और हाँ, मुझे काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप नॉनवेज की रेसिपी नहीं शेयर करते हो, नॉनवेज की रेसिपी शेयर करो, इसी वजह से मैंने चिकन की रेसिपी शेयर की। चिकन तो बन गया है, मैं इनका ही वेट कर रही हूँ अभी डिनर के लिए। और हाँ, किसी ने मुझे पूछा है पिछले ब्लॉग में कमेंट करके कि ये वाला जो मंगलसूत्र है जो मैं पहनती हूँ डेली, तो ये किसका है, तो मतलब ये कैसा है, तो ये इसकी डिजाइन दिखाइए। तो ये ना गोल्ड का है ये वाला मंगलसूत्र, और इसका सेट है पूरा, तो इसकी इयररिंग्स भी है। तो इस तरह से इसका जो डिजाइन है वो है, तो आप देख पा रहे हो, नहीं पता नहीं, और इसके साथ इयररिंग्स भी आए हैं। तो और ना इसको सिर्फ ये सेट आया था ऐसे ही, तो इसको मैंने इसमें पिरोया है, मतलब जो ये है क्या बोलते हैं, क्रिस्टल्स है ये, आप देख सकते हो, और बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी के क्रिस्टल्स हैं। मतलब इसे मैं 5 सालों से पहन रही हूँगी इसे, बट ये क्रिस्टल की जो शाइन है वो बिल्कुल नहीं गई है। मतलब थोड़े से महंगे आते हैं ये वाले क्रिस्टल, मतलब इसमें ना सस्ते भी आते हैं क्रिस्टल्स, तो वो उसकी शाइन जल्दी चली जाती है, बट थोड़े से अगर आप महंगे लेते हो ना तो उसकी शाइन मतलब वैसे ही बरकरार रहती है। तो इसकी शाइन अभी तक नहीं गई। मैं इसे गर्म पानी में भी यूज करती हूँ, मतलब नहाने के टाइम मैं इसे बिल्कुल नहीं उतारती हूँ, कुछ भी नहीं, फिर भी इसकी जो शाइन है वैसी की वैसी ही है। और अगर आप देख सकते हो अभी लाइट इस पे आ रही है तो ऐसे ही चमक रहा है ये, तो इस तरह से ही ये चमकता है, मतलब जैसे ही लाइट इस पे पड़ती है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखता है और अट्रैक्ट करता है। जैसे ही ये चमकता है ना तो किसी को भी अट्रैक्ट करता है ये, तो इसी वजह से इस पे जल्दी से नजर जाती है अगर आप इस तरह के क्रिस्टल्स लेते हो तो। बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब क्रिस्टल्स में मैंने इसे पिरोया है, और इसका डिजाइन कुछ इस तरह से है, इसमें स्टोन्स है, और इसकी जो इयररिंग्स है तो उसमें भी स्टोन्स है। तो अभी इयररिंग्स मैंने कहाँ रख दिए तो वो मुझे नहीं याद है,
बट इसके साथ इयररिंग्स भी आया है। और इसके साथ जो इयररिंग्स आया है वो भी मैंने एक बार आपको दिखाए थे व्लॉग में, और किसी ने पूछा था मुझसे पहले भी, तो उस टाइम मैंने इयररिंग्स भी दिखाए थे शायद। बट मैं इयररिंग्स ज्यादा नहीं पहनती हूँ, तो इसी वजह से मैं यही पहन लेती हूँ। तो ये है मेरा मंगलसूत्र, बहुत सिंपल सा है बट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और देखो अद्विक भी आ गया है, अद्विक अंकल के यहाँ से, आंटी लेके गई थी आपको बताया था। और हाँ, हम लोग गाँव गए थे, इसकी हेयर कट भी करा के लाया है पिछली बार जैसी। तो आपको इसकी हेयर कट कैसी लग रही है मुझे जरूर बताइएगा। हाँ, कहाँ है स्टार दिखाओ। अरे बाप रे, ये है स्टार। ये, तो ये कौन सा स्टार है? ये यहाँ पे, अच्छा दीदी ने निकाल के दिया ये वाला स्टार। अच्छा, और अजय की हेयर कट काफी क्यूट लग रही है ना। अजय दिखाओ, आपकी हेयर कट दिखाओ। ये देखो, ये देखो कैसी है, दिखाओ आपकी हेयर कट दिखाओ। अरे वाह, बहुत ही अच्छी लग रही है। अद्विक की हेयर कट हमेशा हम लोग गांव में ही करते हैं। आपको पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था, पिछली बार जब हेयर कट की थी तो मैंने आपको दिखाया भी था। मैं शकाड़ी पर तुझी कटिंग केली होती, आता पण केली होती। हो मम्मा, तुला आवडली तुझी कटिंग? मम्मा हे बघ ना, मला सांग ना, मला सांग ना, तुझी आवडली तुला कटिंग? बट हे कसं का केलं तू हे असं? ते कटिंग वाल्याने केलं असं? ते कटिंग गंद केला कटिंग वाल्याने, गंद केला। मम्मा तुला आवडलं नाही? कट्टी मग मी तुझ्यासोबत कट्टी कट्टी मी तुझ्यासोबत, मी बोलत नाही तुझ्यासोबत। सांग ना मग कोणी केलं? हा, हेअर कट करून दिली त्याने केलं हे असं। बघू दे मला आणि सर्वांना सांग कशी तुला आवडली ही हेअर कट, आवडली तुला? ते बघ, हा हे बघ, बघ हे, हा बघ, छान दिसते ना। मम्मा आपको कैसी लगी इसकी हेयर कट जरूर बताना। मम्मा और उन्होंने ना जेल लगा के दिया था, इसी वजह से ये ऐसे ऊपर ऊपर लग रहा है बाल। इकडून टकला केलं तुझ्या? अरे बापले, कसं केलं बाबा? मम्मा पूर्ण टकला, तू पूर्ण टकला करून टाकत, पूर्ण टकला होऊन जात तू? अरे नाही बाबा, चांगला नाही दिसशील ना मग तू पूर्ण टकला। तुला समोर मध्ये टकलीच करते मी तुझी। हो तिकडे वरती मला टकला कावा करते वरती वर केव्हा? टीव्ही मध्ये बघितलं मी। अच्छा टीव्ही मध्ये बघितलं तू? तू माझी टकला कावा केला होता मी तुझी टकला कावा टकला केला केव्हा? आता आता केव्हा? टीव्ही मध्ये बघितलं आता। अच्छा, इसके जब वो क्या बोलते, जब मुंडन कराया था हमने, मतलब पहली बार जब मुंडन कराया था ना, उस टाइम बहुत छोटा था ये, मतलब उस टाइम इनका वीडियो मैंने निकाला था और वो इसको टीवी में दिखाया था, तो इसी वजह से ये अभी बोल रहा है मुझे कि वो आपने टीवी में देखा था मैंने, और आपने मेरा टकला क्यों किया था बताओ जल्दी से, यही बोल रहा है अभी। मैंने टकला किया था आपका, अभी समर में और टकला कर देंगे आपका। हो नहीं, अच्छे लगोगे? नहीं। हाँ, आप ही बताइएगा इसका टकला करूँ या नहीं करूँ? नहीं। नहीं, आपको पसंद आएगा? नहीं आएगा। आएगा ना? हाँ। कर देती हूँ फिर टकला आपका। टकला नहीं। चलो बाय कर दो सबको। बाय, लव यू, लव यू। कुठे कुठे चल्ला पण जाते अद्विक, अद्विक चुप गया। चलिए इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद। बहुत मस्ती कर रहा, बस बस। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।
उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोस, हॉल वीडियोस, मेकअप वीडियोस इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से लोग अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।